हाँ भाई, हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर। एक बार फिर आप सभी के सामने जल्दी जल्दी आते जाएं। आई एम हियर वेटिंग फॉर यू, जल्दी जल्दी आ जाएं। सॉरी फॉर द लेट, दो चार पांच मिनट इधर उधर हुए, कोई इश्यू नहीं है। आपके लिए बहुत शानदार वाली टेस्ट सीरीज चाहिए थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लेट भी चल जाएगा। हाँ, सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, सलाम नमस्ते सभी लोगों को। अमित कुशवा, दीपा, वर्षा, मेघा राजावत, उदिति, मोहिनी एंड वरुण, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। और द भारत एप्लीकेशन पे अमित, रक्षिता, प्रियंका बघेल एंड मेनी अदर पर्सन, हैप्पी मतलब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब कुछ हो चुका है, जस्ट वेट फॉर वन मिनट, वन मिनट के अंदर टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। सब लोग आते जाएं। हाँ भाई, वरुण कुशवा जी, आपके भी गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर आप कहोगे सर ब्लर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? ओके, जल्दी से कमेंट करके बता दे, सारी चीज स्लाइड बिल्कुल सही क्लियर दिख रही है, कहीं भी कोई दिक्कत कोई चीज प्रॉब्लम करे तो जल्दी से बताते जाना। हाँ, अब सब लोग आ चुके हैं। एमपी हाई कोर्ट, जयंग, वेरी गुड इवनिंग। रक्षिता जी, यस सर, ओके, यस सर, दिख रहा है, सब लोग ने आंसर दे दिया। ये आज की टेस्ट सीरीज सामने दिखाई दे रही है, बहुत छोटी सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारे के सारे उसी पैटर्न पे प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए सारे क्वेश्चन है जो आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। फराह कुरैशी जी, गुड इवनिंग। सपना सिंह, वेरी गुड इवनिंग। दीक्षा एंड उदिति, यस सर, ओके जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या हैं? ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है जिसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग करेक्शन है, इडियम्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इन सबको मैंने ब्रॉड करके नेक्स्ट स्लाइड्स में सब सेट कर रखा है, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट में पैसेज, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है या ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें, तैयार हो आंसर देने के लिए? जल्दी से बिल्कुल, जय श्री राम। हाँ भाई, वेरी गुड, जय श्री राम आप लोगों को, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आता है सिनोनिम के सेंस में। ओके चैंपियंस, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सिनोनिम, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपको सिनोनिम बताना है, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एडवोकेट, एडवोकेट का सिनोनिम आपके हिसाब से क्या होगा? ए डिटरमाइन, सेकंड प्रेडिक्ट, थर्ड वांटेड एंड चौथा सपोर्ट, व्हाट शुड बी द सिनोनिम अकॉर्डिंग टू यू? जल्दी से ए बी सी डी ऐसे लिख के बता देना। जयंत ने आंसर दिया ए, वेरी गुड बेटा, आपका गलत है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अमित का सही गया। हाँ जी, हाँ मेघा जी डी, अमित सी, उदिति शर्मा डी, दीक्षा गुप्ता डी। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक सब लोगों का दिखाई दे रहा आंसर, मेरे को डी लग रहा है, क्योंकि बहुमत कहते हैं जिसको, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, डी शुड बी द राइट आंसर। ऐसा क्यों होगा? चेक करें, जो एडवोकेट वर्ड दिख रहा है, एडवोकेट का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना। आज तक एडवोकेट आपने वकील को सुना है, कोई भी जो वकील होते हैं एडवोकेट कहे जाते हैं, लॉयर कहे जाते हैं, है ना? ऐसे ही एडवोकेट वो पर्सन भी होता है जो आपका पक्ष लेता है। याद करो बचपन के दिन, जब आप पिटा करते थे, जब मम्मी बचाने आ जाती थी, तो उस समय वो क्या कह लेंगी? एडवोकेट, यानी आपका पक्ष लेने वाला। और जो आपका हमेशा पक्ष लेता है, पक्ष लेने वाला, और जो पर्सन आपका हमेशा पक्ष लेता है, उस पर्सन को क्या कहेंगे? वो हमेशा क्या कर रहा है? सपोर्ट। तो आंसर होगा डी, सपोर्ट होगा, ठीक है। सर पहला वर्ड आता है डिटरमाइन। सर ये सारे वर्ड्स हम लोग जल्दी जल्दी नहीं लिख पाए, अगर कोई पर्सन जल्दी जल्दी नहीं लिख पाता है तो उनको मैं बता देता हूं क्लियर, कि इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, एक एक वर्ड अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। फिर भी मैं पूरे समझा रहा हूं।
प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट क्या होता है, अंदाजा लगाना, प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, प्रेडिक्ट तो समझते हैं, प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस क्या होता है, हम पहले से सोच के चलते हैं, वेदर प्रेडिक्शन होता है, मौसम का अंदाजा लगाना है, ह्यूमन प्रेडिक्शन होता है, इंसान को देख के अंदाजा लगाते हैं कि इंसान अच्छा है बुरा है कैसा है, तो प्रेडिक्शन को होता है, ठीक है, तो प्रेडिक्ट मींस होता है अंदाजा लगाना, सपोर्ट पता ही है। नेक्स्ट वर्ड डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित करना, क्या होता है, निर्धारित करना, अगर आप किसी चीज को निर्धारित करते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटरमाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिटरमाइन, सुना होगा आप लोगों ने, हाउ कैन यू डिटरमाइन दिस थिंग, तो डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है। और रोमोहिनी जी आंसर आपका सही था। लास्ट वर्ड आता है हमारे पास गॉन्टलेट, गॉन्टलेट के दो मीनिंग होते हैं, एक गॉन्टलेट ग्लव्स होता है और एक गॉन्टलेट होता है टू चैलेंज समबडीज अथॉरिटी, किसी को चैलेंज कर देना, किसी भी पर्सन की अथॉरिटी को चैलेंज करना, वो हमारा क्या कहलाता है, गॉन्टलेट कहलाता है। तो आंसर पहला वाला सबका क्लियर है, सपोर्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास प्रीएम्बल, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, ए बी सी डी। सर ये टेस्ट सीरीज पीडीएफ में डली है क्या? हाँ, अभी उसमें जो दा भारत की एप्लीकेशन में आज रात से 12 बजे से सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, डेटा इधर उधर हो रहा है, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वर्जन अपडेट हो चुका है, इन द सेंस हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है द भारत की, अब उसका अपडेशन पूरा 12 बजे तक आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सुखदेव आंसर भी लगा है, वेरी गुड सुखदेव जी, चेक करें, अमित का आंसर ए और ज्यादातर लोग बी 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 आंसर आ रहा है, सचिन यादव बी, दीपक बहुत गुड इवनिंग, आई एम सॉरी आई एम टुडे लेट, चिंता मत करो सर भी लेट है, टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन ये है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन टेंशन मतलब वीआईपी ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज वैसे भी शायद मैथ्स की क्लास नहीं है तो हम थोड़ा लेट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के सेंस में बात करते हैं, तो प्रीएम्बल का मतलब होता है किसी का मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का शुरुआती अंश जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीएम्बल कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रीएम्बल। मैंने कहा प्रीएम्बल मतलब क्या हो गया कि शुरुआती अंश, खासकर किताबों का किसी भी चीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है शुरुआत में, नाटक वगैरह देखे होंगे आपने, नाटक में शुरुआत में लिखा जाता है या फिर कहा जाता है इस धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है ना, ऐसी चीजों को हम लोग प्रोलॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोलॉग, या दूसरे शब्दों में हम इसको बोलते हैं प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब होता है किसी चीज का इंट्रोडक्शन, शुरुआती अंश, आंसर हो जाएगा ए, इंट्रोडक्शन इज द राइट आंसर, हम सिनोनिम चुन रहे हैं, सिनोनिम के हिसाब से ये हो जाएगा ये। सर भारत ऐप पर क्यों नहीं चल रही क्लास, बेटा सबकी भारत ऐप पर चल रही, सब लोग मेरे को आंसर दे रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी, चल रही बिल्कुल सबकी, और सब लोगों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, वंदा भारत पे मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, है ना। चलिए आप एक काम करो, उसको क्लोज करो, थोड़ा सा दोबारा से इसको रिफ्रेश करके चलाओ, चलेगी बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, आ जाओ। प्रीएम्बल हो गया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन सभी को मालूम है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन मींस होता है वो किसी चीज की डेफिनेशन देना, परिभाषा। नेक्स्ट इज क्या पढ़ते हैं इसको, आज तक आपने इसको पढ़ा है मोरल, मोरल खत्म करो यार, मनीष सर के स्टूडेंट हो, थोड़ा लगना चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। सो मनीष सर के स्टूडेंट हमेशा हम इसे स्टैंडर्ड में बोलेंगे, स्टैंडर्ड में इसको मोरल नहीं पढ़ा जाता, इट्स मोरल, क्या पढ़ा जाएगा, मोरल, मोरल, यही रीजन है रॉयल को आजकल क्या पढ़ा जाता है, रॉयल, इसी चीज, ठीक है। लास्ट आता है एपिलॉग, एपिलॉग मतलब होता है अंत, अंत शॉर्ट में लिख देता हूं, अंत, वैसे क्या होता है, अंत में कोई भी चीज जो होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं, लास्टिंग या अपन बोलते हैं ना कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब लास्ट का जो पार्ट होता है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो आखिरी अंश होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में एपिलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिलॉग। कई बार किताबें या कई बार मूवीज खत्म होने के बाद लास्ट में जो नाम लिखे आते हैं, लास्ट में कोई स्पीच होती है, उसको हम इंग्लिश में एपिलॉग बोलते हैं, लेकिन हमें सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, समथिंग एड इन द लास्ट ऑफ बुक एंड प्ले, बिल्कुल कह सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूलेशन, जल्दी बताओ ट्रिब्यूलेशन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरे को सबसे चाहिए, जल्दी जल्दी बताते जाओ, ए बी सी डी, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ भाई, आंसर बी 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 बहुत आ रहा है सब लोगों का, तो क्या लॉक कर दिया जाए। कई मालूम है जज करते हैं, कई सोच रहे होते हैं पहले ये देखें ज्यादातर लोगों का आंसर क्या आ रहा है,
वही लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ तो टोटका कर रहे होते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वासी नब्बे, ऐसा नहीं मत किया करो यार, इधर आओ। ट्रिब्यूलेशन मीन्स होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, दुखी हो जाना किसी चीज से, इतना ज्यादा कष्ट में डूब जाना, उसे ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूलेशन। किसी भी चीज से रगड़ लगने की वजह से, किसी भी चीज से घर्षण होने की वजह से, जब आपके जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूलेशन। दोबारा से सुनो, मैंने कहा ट्रिब्यूलेशन मीन्स क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ऐसे खिसलता हो गया और हाथ पूरा छिल गया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूलेशन। अब वो चीज मेरे को क्या करेगी? दर्द देगी, और दर्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है? दर्द या कष्ट। सफरिंग का मतलब क्या होता है? दर्द या कष्ट। तो सफरिंग मतलब क्या हो गया? दर्द या कष्ट। तो ट्रिब्यूलेशन का आंसर क्या हो जाएगा? सफरिंग होगा। क्या होगा? सफरिंग। कंडीशन क्या है सभी को? ट्रिब्यूलेशन मीन्स क्या होता है? भयंकर परेशानी में आ जाना, दर्द में आ जाना। और सफरिंग का मतलब भी होता है, सफरिंग फेसेस होते हैं, ऐसे चेहरे जो बहुत दुखी भरे होते हैं, उनका आंसर होता है। ठीक है सुखदेव जी, आंसर बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ सफरिंग हो गया। सफरिंग के बाद आता है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, पेल्पिटेशन। पेल्पिटेशन मीन्स क्या होता है? जब धड़कने तेज हो जाए, दिल की धड़कने बढ़ जाए, थम तो नहीं जाए लेकिन बढ़ जाए किसी भी चीज को देखकर, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेल्पिटेशन। क्या कहा जाता है? पेल्पिटेशन। पेल्पिटेशन मीन्स होता है जब हार्ट बीट, क्या कहा मैंने आपसे, जब हार्ट बीट जो है तेज होना, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेल्पिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्पिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। दशरथ जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ नेक्स्ट, वीकनेस। वीकनेस होती है स्टिमुलेशन, समझ लो। स्टिमुलेशन मीन्स होता है, सुनो इसके दो मीनिंग होते हैं, ये आता है दो सेंस में आता है, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस। स्टिमुलेशन जब पॉजिटिव सेंस में आएगा तो इसका मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, और निगेटिव सेंस में आएगा तो इसका मतलब होता है भड़काना। स्टिमुलेशन मीन्स, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको भड़काया जाए किसी बात को लेकर, जैसे स्टिमुलेशन उत्तेजित करना होता है। अब अगर अच्छे काम के लिए मैं कह रहा हूँ, यार तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो, वो आपका स्टिमुलेशन पॉजिटिव सेंस में, तो वो प्रेरणा में आ जाएगा। लेकिन अगर दो लोग लड़ रहे हो, मैं कहूँ और मारो, तो वो चीज क्या हो जाएगी हमारी? वो हमारा भड़काना हो जाएगा। भड़काने को भी क्या बोला जाता है? स्टिमुलेशन। तो किसी भी चीज में उबाल आना, प्रेरित होना, हर एक चीज के लिए हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेशन वर्ड आता है। तीनों वर्ड क्लियर है बिल्कुल सभी लोगों को? वेरी गुड। ठीक है जी, उत्तेजक कह सकते हो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ सबके कमेंट में पढ़ता जा रहा हूँ, भले दा भारत के हो या भले यूट्यूब के हो। ठीक है, सब लोग कमेंट करते जाएं, आपका कमेंट बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, स्टिमुलेट करता है। वर्ड याद हो गया आपको। अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसने पूछा, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की एक ऐसी माला बना डाली उन्होंने, ठीक है, एंड लीव्स, और पत्तियों की ऐसी गोल सी क्या कर दी है? माला बना डाली, ठीक है, जो कि डेकोरेटिव, बढ़िया सी सजाई हुई सी रहती है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चारों पढ़ो और चारों में से आंसर बता दो जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए। भारत वालों का आंसर जल्दी आ जाता है यार, क्या बात है। हाँ, डिक्शनरी विक्शनरी खोल के तो नहीं रखते? नितिन गुप्ता ए, अमित ए, उदिति सी, रेथ, सपना जी डी, रेथ, प्रशांत राजावत, लेट हो गए बेटा, रीज, ओ वेरी गुड, आपने सेकंड लिखा है, और सूरज बी, मोहिनी ने तो ओके लिखा है बस, ठीक है। श्याम पचौरी फॉर सी, दीपक ए, राघव ए, चलो चेक करें। सबसे पहले तो आपकी आंखें खोल दूं, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसको तो हटाई दो, ये कोई वर्ड नहीं है, तो ऐसी दे दिया था जो कि सिमिलर लगने लगे, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल वर्ड्स पे। जो फर्स्ट वर्ड है ये होता है रेट, फूलों की एक गोल सी माला, या पूरा का पूरा एक बंच, जो खासकर शव यात्रा में या किसी ऐसे ओकेशन पर ले जाया जाता है। आपने देखा होगा सेना में बड़े बड़े अधिकारी जब जी, आप बड़े बड़े हमारे सैनिक वगैरह जब शहीद होते हैं, ठीक है, तो शहीदों के ऊपर एक गोल सी माला रखी जाती है, वो चक्र बोला जाता है, फूलों का चक्र, उसी चक्र को हम इंग्लिश में रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेथ। ठीक है, इसको समझाने से पहले एक वर्ड समझ लो। एक वर्ड होता है बाथ। बाथ का मतलब केवल और केवल स्नान होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब स्नान या नहाना, ठीक है।
अब स्नान लेना यानी जब वो वर्ब के सेंस में होता है ना तो बात का क्या हो जाता है, बात में लास्ट में ई जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, बात हो जाता है, क्या हो जाता है, बात। दोबारा सुनो, इसको समझने से पहले ये समझ लो, बात मतलब केवल स्नान होता है और बात में ई लग गया तो ये मेन वर्ब हो जाती है, इसका मतलब हो जाता है स्नान लेना। पहली कंडीशन क्लियर। जो रेथ वर्ड है, इस रेथ का डी ऑप्शन जो है वो एज अ मेन वर्ब है। ये क्या है, फूलों का एक चक्र है जो कि किस पर, शहीदों पर या कहीं भी ऐसे ओकेशन पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ जी सोडानी जी, आंसर ए आपका सही है। डी ऑप्शन जो रेथ दिख रहा है आपका, वो जो रेथ ऑप्शन है वो किसी फूलों की माला बनाना या गोलाई में कोई चीज क्रिएट करना। अब जो डी वाला ऑप्शन है हमेशा फूलों के सेंस में नहीं आता, कोई भी चीज जो आपको आसपास से घेरे हुए, इसका जब एग्जाम में सिनोनिम आया था तो इसका सिनोनिम था सराउंड। क्या था, सराउंड। मैं अगर खड़ा हूं, मेरे को आसपास से खूब सारे लोग घेरे हुए खड़े हैं, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, सराउंड्स कहलाएगा। और सराउंड का बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, रेथ। कोई भी चीज जब मैं आसपास, मेरे आसपास खूब धुआं ही धुआं हो रहा है गोल गोल, ठीक है, तो उसको भी रेथ बोल सकते हैं। धुआं का छल्ला जो बनाया जाता है ना, कई लोग स्मोकिंग में बनाते हैं ना, ठीक है, ग्वालियर के लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, सुट्टा है ना, तो वो चीज क्या हो जाएगा, हमारा रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेथ। रेथ मीन्स कोई भी चीज जो गोलाकार, खासकर फूलों के लिए मेन वर्ब के सेंस में। और तीसरा वाला जो रेथ आ रहा है, इसका मतलब होता है भयंकर गुस्सा। भयंकर गुस्से को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेथ। हाय सर, मैं कोचिंग से आ गया, स्टूडेंट को पढ़ाने गया था, 24 स्टूडेंट, 17 इंग्लिश मीडियम वाले हैं और 2 शिफ्ट में पढ़ाता हूं, अभी अभी फ्री हुआ हूं। वेरी गुड वीरेन, चलिए जल्दी से फोकस करो बोर्ड पर। नेक्स्ट, अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन। वो कहता है बहुत ज्यादा मात्रा में लगातार जब बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है। जल्दी से आंसर लिख के बता, जल्दी जल्दी। राघव का आंसर बी है, सूरज का आंसर डाउनपोर है, सुखदेव ने ए लगाया है, अमित डाउनपोर, दशरथ क्या बात है डाउनपोर, बी राघव, सपना, उदिति सबने बी 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 आंसर लगाया, श्याम, तृप्ति जी, नीलम जी, हां जी, नितिन गुप्ता, प्रियंका पाल। चलिए जब इतने लोगों ने कह ही दिया है, ठीक है, तो क्यों मैं इतना सस्पेंस में रखूं, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सारे के सारे हमारे किस टर्म्स में है, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल फेनोमिनन, सारे के सारे वर्ड्स नेचुरल फेनोमिनन से हैं। सर नेचुरल फेनोमिनन से मतलब क्या हुआ, पहला जो वर्ड आ रहा है ब्लिजर्ड, कौन सा आ रहा है, ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड मीन्स क्या होता है, जो बर्फीला तूफान होता है। क्या कहा मैंने आपसे, बर्फीला तूफान होता है ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लिजर्ड बोलते हैं, ब्लिजर्ड। क्या बोला जाता है, ब्लिजर्ड। लेकिन एवलेंच क्या होता है, एवलेंच सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड, स्खलन, अचानक से बर्फ खिसक जाना, उसको एवलेंच बोला जाता है, हिमस्खलन जिसे कहा जाता है। आपने बाहुबली पिक्चर देखी है, जब बाहुबली पिक्चर में जब वो पूरी सेना आ जाती है तब वो क्या होता है, पूरी बर्फ के ऊपर है, तो वो कुछ अजीब सी चीजें बताई जो रियलिटी में नहीं हो सकती, फिर भी वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी बर्फ के साथ फिसलता हुआ अचानक खूब सारी बर्फ एक साथ आ जाती है, उसी को हम इंग्लिश में एवलेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवलेंच, ठीक है। चलिए एवलेंच क्लियर है। सेकंड, डाउनपोर मतलब होता है भयंकर बारिश, बहुत गहरी, मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ी मात्रा में जब बारिश होती है उसको डाउनपोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउनपोर। इससे कहावत है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, उस छप्पर फाड़ के वाला जो डायलॉग है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट नेवर रेन्स बट डाउनपोर। वो कहता है कभी भी बारिश भी नहीं होती कभी तो, और आज बिल्कुल क्या है, सैलाब आ गया, तो जो सैलाब वाला मामला है ना उसको डाउनपोर कहा जाता है। लास्ट डी जो वर्ड है बहुत प्यारा सा वर्ड है, ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है फुहार, फुहार समझते हो, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश जो एंजॉय करने के लिए होती है। डाउनपोर में आप नहीं निकल सकते, बहुत तेज बारिश में नहीं निकल सकते, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो एंजॉय करने के लिए, एक हाथ में कॉफी हो, कान में हेडफोन लगे हुए हो और छत पर आप आराम से सोच रहे हो, गाने सुन रहे हो, वो क्या कहलाएगी, एंजॉय करने वाली जो बारिश होती है वो हमारी ड्रिजल कहलाती, क्या कहलाती है, ड्रिजल। वेरी गुड, सबको याद हो गए सारे। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ इविल रेप्यूटेशन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत बुरी रेप्यूटेशन वाला होता है, यानी जिसको बहुत बुरा सोचा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ग्रेशियस, दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लिबोरियस, ठीक है। तीसरे ऑप्शन के लिए अगर हम आगे जाते हैं, चलो मैंने थोड़ा सा उसको मिसमैच कर दिया है, चलो पहला ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब होता है बहुत अच्छी छवि वाला, वो हो नहीं सकता। लेबोरियस होता है मेहनती, कौन होता है, मेहनती। लेबोरियस मीन्स क्या होता है, मेहनती, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, एक काम करता हूं जल्दी से, उसके तीसरा और चौथा ऑप्शन आपको दिखा देता हूं।
तीसरा और चौथा ऑप्शन ये रहा। पहला वर्ड है मिस्चीवियस, पहला वर्ड है मिस्चीवियस और दूसरा वर्ड है नटोरियस। जल्दी से बता दो क्या आएगा, पहला वर्ड मिस्चीवियस, दूसरा नटोरियस। क्वेश्चन था हैविंग इविल रेप्यूटेशन, एक ऐसा पर्सन जिसकी इज्जत बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, उसको कहा जाता है नटोरियस। नटोरियस मींस होता है कुख्यात। क्या कहा जाता है? कुख्यात। कुछ कुछ पर्सन कैसे होते हैं, अपने कुख्यात होते हैं इन द सेंस कैसे, जिनकी रेप्यूटेशन बहुत खराब है, जो अपने आप में एक निगेटिव छवि वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है नटोरियस पर्सन कहा जाता है। सर एग्जाम्पल दोगे कैसे? अब जैसे कुछ आपने देखा होगा, शक्ति कपूर का एग्जाम्पल दें, कहने को वो एक अच्छा सेलिब्रिटी है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही नाम आता है शक्ति कपूर, गब्बर सिंह, ऐसे नाम आते हैं ना, तो अपने आप में एक निगेटिव छवि निकल के आते हैं। जो निगेटिव छवि होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नटोरियस बोलते हैं। ठीक है, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना, और जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अब हमारा ऐड हो गया, हम दोबारा से पढ़ाई पर आते हैं। द भारत एप्लीकेशन पर सारी फैसिलिटीज मिल रही है, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल रही है, यही सारे टेस्ट आपको डेली आपके क्या मिलेंगे, पीडीएफ के सेंस में मिलेंगे। हर दिन आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की वॉकअप की पूरी पीडीएफ चल रही है, हर दिन आपको हर एक चीज नई द भारत एप्लीकेशन पे मिलती जा रही है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ज्वाइन करना चाहें द भारत को डाउनलोड कर लेना। कहां से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से। मिस्चीवियस का और सुन लो, मिस्चीवियस होता है शरारती, छोटे छोटे शरारती जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिस्चीवियस कहा जाता है। नितिन गुप्ता ने कहा फीस क्या है? फीस बहुत सिंपल सी है, सारे सब्जेक्ट की फीस केवल और केवल 2500 रुपए है, जिसमें आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा और जीएस। जीएस में केवल एक टाइम पास नहीं होगा कि केवल एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, जीएस में एमपीजी के लिए अलग मैम पढ़ा रही है, और अगर मैंने आपसे बात की इकोनॉमी और स्पेशल सब्जेक्ट के लिए और साइंस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, हर चीज का स्पेशलाइजेशन। मैथ्स वाला पर्सन आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाएगा, टाइम पास करना होता तो मैथ्स वाले पर्सन रीजनिंग पढ़ा सकता था, नहीं, मैथ्स अनु सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग प्रदीप सर, और इंग्लिश वाले छोटे मोटे सर आप जानते हैं, मनीष सर सामने खड़े हैं। ठीक है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट बेस्ट टीचर्स के द्वारा, बेस्ट टीम के द्वारा मिल रहे हैं। और ये जो फीस है, अमाउंट है 2500, उसके बारे में बता दूं मैं आपको, जितना हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने होने के बाद हम इसको आफ्टर लॉकडाउन और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद इस फीस को इंक्रीज करेंगे, ये फीस इस जुलाई में या इस जुलाई के बाद 5000 हो जाएगी। जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके 2500 है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं उसका भी कॉस्ट कम है, लेकिन उसमें आपको और ज्यादा ही रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का आप 1000-1500 के हिसाब से आप 4000-5000 रुपए देंगे, इससे बढ़िया एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट या कंबाइंड पैकेज आपको 2500 रुपए में मिलता है। अब हमारा ऐड हो गया, आ जाओ दोबारा से, आ जाओ। नेक्स्ट वो हमसे कहता है जल्दी से बताओ स्पेलिंग करेक्शन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना, जल्दी से बताते जाओ जी। सुधारणी जी, हाँ जल्दी से, ट्यूशन की स्पेलिंग आपको कौन सी लगती है? ABCD, ये मालूम है? अभी अभी CGL, CPO, कौन कौन से, हर एक एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है, इसकी स्पेलिंग। यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू नितिन गुप्ता जी। हाँ बस आपके लगे हैं, आपके सिलेक्शन की तैयारी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मेहनत करवा रहे हैं थोड़ी सी, चलिए आ जाइए। ट्यूशन की स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द आंसर क्या लगा रहे हैं? ए, लेकिन ए नहीं होगा, आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, याद रखें TUI TION आता है। अब कई सोच रहे हैं आई क्यों आई, आई इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे आई आती है, क्लियर सभी को? TUI TION, ट्यूशन की स्पेलिंग यही होती है। हम तो इंडियंस हैं, हम अपने हिसाब से बनाते हैं हर स्पेलिंग। आज भी हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं जबकि स्पेलिंग होती है इंटेरोगेटिव, और स्टैंडर्ड में इसको बोला जाता है इंटेरोगेटिव। हम बोल नहीं पाते हैं तो हम बस इंट्रोगेटिव से काम चला रहे हैं, गलत सलत स्पेलिंग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। डिजास्ट्रस बताओ जल्दी। हाँ धर्मेंद्र माथुर, गुड इवनिंग जी, जल्दी से नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, इस हम तो नेक्स्ट पे आ चुके हैं, इसने हो जाए जी, आंसर देते जाएं। हाँ एट नंबर, ऐसे ऑप्शन डाल दिया करो, 8B 8C, ऐसे। दीक्षा गुप्ता ने कहा डी, उदिति बी, चेक करें जल्दी जल्दी आंसर दो। ABCD is the right answer, disastrous, क्या हो जाएगा? Disastrous. Next, जल्दी से बताओ, 9th वाले में ऑप्शन क्या आएगा? 9th वाला occasion,
मेरे को मालूम है नाइन्थ में ज्यादातर लोग आंसर सी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? सी। नाइन्थ में ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, जो कि गलत है। मोस्टली स्टूडेंट यही सोचता ओकेशन में डबल सी और डबल एस आता होगा। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, आंसर होगा सी, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओकेशन। दो स्पेलिंग्स बिल्कुल याद रखना, एक ओकेशन एक ओमिशन, ओ डबल एम आई एस आई ओ एन, ओमिशन। ओमिशन में भी कई लोग डबल एस लगाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये सारे वर्ड्स आपको दिक्कत देंगे आगे जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है idioms and phrases। idioms and phrases में जवाब देते जाना सब लोग। 10th नंबर है, he was the bad egg in the family। वो फैमिली का एक बुरा अंडा है। बुरा अंडा होता है क्या कुछ? आप बताओ बुरे अंडे का मतलब यहां पर किससे है? ये तो सिंपल है, आप पहचान ही जाओगे ऐसे आंसर। हाँ जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाओ। चलिए पहले चारों का मतलब बता देता हूँ। वर्थलेस का मतलब होता है जो किसी काम धाम का नहीं है, बेकार है, निठल्ला है, अपन बोलते हैं ना नल्ला है नल्ला, वही। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल मींस होता है जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। अनवांटेड, अनवांटेड मतलब अनचाहा, अनवांटेड गेस्ट होते हैं ऐसे मेहमान जो बिना बुलाए आ जाते हैं, हम चाहते भी नहीं, हम चाहते चले जाए लेकिन वो जाते नहीं है, ऐसे अनवांटेड गेस्ट होते हैं। और ग्रीडी तो होता ही है, लालची। क्या होता है? लालची। लालची लोगों को क्या कहा जाता है? ग्रीडी। अब आप देखो बैड एग, नाम से बैड दिख रहा है तो क्या हो गया? बुरा। और जब बैड एग है तो आंसर होगा वर्थलेस। क्या हो जाएगा? वर्थलेस। वर्थलेस मतलब जो बेकार है, व्यर्थ है। ओके चलो नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है अ फ्रूटफुल सर्च, एक बढ़िया सा सर्च इन द सेंस जिसका कोई परिणाम निकले। लॉन्ग परस्यूट, लंबा समय तक कार्य किया हुआ। परस्यूट का मतलब होता है कार्य, अकेले परस्यूट का मतलब क्या होता है? कार्य। लॉन्ग परस्यूट, बहुत लंबे समय किया गया कार्य। फ्रूटलेस परस्यूट, व्यर्थ का कोई कार्य। और रन आफ्टर अ बर्ड, किसी पक्षी के पीछे भागना। अब जिसको जो नादान सा होगा वो तो बेचारा ये वाला आंसर लगाए, क्यों? क्योंकि गूस का मतलब हिरन भी होता है, पक्षी भी होता है। तो गूस मतलब होता है, आप सोचो जंगल में आप गए और किसी हिरन को पकड़ना है या किसी बहुत शानदार, मतलब किसी भी फास्टेस्ट हिरन को हम पकड़ ही नहीं पाए, कितना भी दौड़ ले उसके पीछे नहीं पकड़ सकते हैं। तो वाइल्ड गूस चेस का आंसर फ्रूटफुल नहीं, फ्रूटलेस परस्यूट, व्यर्थ का कोई काम। उसके पीछे दौड़ते भी रहोगे तो भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। ओके चैंपियंस, तो फ्रूटलेस परस्यूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से बताओ इसका, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज मिस्टेक। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दो तीन ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दो ही हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज मिस्टेक। अब बताओ आपको क्या लगता है? ए बी सी डी, 12 नंबर आंसर बताओ। पहला ऑप्शन सॉल्व, सॉल्व का मतलब सुधार लेना, मतलब सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल करना। उसने अपनी मिस्टेक हल कर ली, ही फिनिश्ड दिस मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को फिनिश कर दिया। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, और ही अंडरस्टूड, वो समझ गया अपनी गलती। गलती को समझा नहीं जाता, एहसास किया जाता है। एहसास करने के लिए क्या आ जाएगा? रियलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियलाइज। हम बोलते नहीं यार तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होता, तो मैं अपनी गलती रियलाइज नहीं होती, तो अपन हिंदी में ही अपने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं, बस उन्हीं से सीखना सीखो। जनरल लैंग्वेज में भी हम कई बार इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उनको ऐसे अपने नेचर में लेके आते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर सभी को? कई बार आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, बोन्जो फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वगैरह जो होता है ना, गुड मॉर्निंग को बोलते हैं बोन्जो, शाम को अगर गुड इवनिंग है तो बोन्सो बोला जाता है, गुड बाय को चाओ बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो है वो हमें कहा थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड नहीं होगा ना, तो आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी और भी वीडियोस जैसे गुड बाय को और स्टैंडर्ड में कैसे बोल सकते हैं, किसी से मिलना है तो कैसी कॉन्वर्सेशन हो, कुछ मत करना। मनीष सर का यूट्यूब चैनल जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो उसमें और भी वीडियोज डली है स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोज। आई एम नॉट सेइंग टू ज्वाइन द स्पीकिंग क्लासेस, आई एम सेइंग कि अपना स्टैंडर्ड बना लो, वीडियोज को देख लो, क्या दिक्कत है। चलो These murals are typical fill in the blanks Tamil Nadu. सबसे पहले तो सर murals का मतलब बताओ। Murals का मतलब होता है जो हमारी क्या बोलते उसको दीवारों के ऊपर जो चित्र बने होते हैं, कोई चीजें उकेरी होती है। दो तरीके से होता था, राजा महाराजा क्या करते थे,
या तो मूर्तियों जैसे कोई चीज उकेरवाते थे, उसको स्कल्पचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। या फिर आपने पुराने राजा महाराजाओं के महल देखे होंगे तो उसमें बढ़िया तरीके से पेंटिंग बनी होती थी हर कमरे के अंदर। वो जो पेंटिंग होती है उसको म्यूरल्स बोलते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं, है ना। तो दीज म्यूरल्स आर टिपिकल, ये बहुत ज्यादा खास है फिल इन द ब्लैंक्स तमिलनाडु। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी से, टिपिकल ऑफ तमिलनाडु, वो कहां से संबंध रखती है? तमिलनाडु की है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑफ। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे मुझे तुम पर गर्व है, आप एक चीज बताना मेरे को, इंग्लिश में ऑन का मतलब पर होता है और ऑफ का मतलब का होता है ना। ऑफ का मतलब का की के होता है और ऑन का मतलब क्या होता है? पर। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे तुम पर गर्व है। क्या कहा सर? ऑल टाइम इंग्लिश बोला करो क्लास में। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बोलते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर प्राउड के साथ पर, मुझे तुम पर गर्व है, पर के लिए हम फिर भी क्या लगा रहे होते हैं? ऑफ। इनको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि किसी किसी शब्दों के साथ जो चीज आना फिक्स है, इस सेंस में आना फिक्स है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। मामला क्लियर है? किसी ने मुझसे कहा सर ऑल टाइम इंग्लिश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, लेकिन आप भी समझते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन हर एक स्टूडेंट उसको कन्वे नहीं कर पाएगा। If everybody will be comfortable, I will be also comfortable in English also. ठीक है? But in terms of the some of the students, they are not able to understand English. That's why I have to use English in my classroom. Okay? चलिए आ जाएं। The flight will land. जो flight है वो land करेगी, आ जाएगी। Fill in the blank 6 this evening. On, at, upon, in. Inscription be a synonym of murals. हाँ, inscriptions कह सकते हो। अमित ने कहा बिल्कुल सही कहा। Inscribe भी लगभग वही होता है, उकेरना या कोई चीज बनाना, tattoo वेटू के लिए आता है खासकर, है ना। तो कह सकते हो आप उसको, परफेक्टली नहीं कह सकते बिल्कुल। The flight will land, fill in the blank 6 this evening. तो दो चीजें बता दो। टाइम को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। किसी को अगर फास्ट लग रहा हो तो आराम से सुन लो। टाइम को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम फिक्स टाइम को देखें, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को देखें। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक बिल्कुल निश्चित समय बिंदु, और एक दूसरा होता है कौन सा? समय की अवधि जो लंबी होती है। ठीक है, दोनों में अंतर सुनो। 5 बजे, तो 5 बजे मतलब 5 बजे को बोलेंगे, 5:15 को 5 नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मैं शाम बोलूं तो शाम तो कई मतलब कहते हैं 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चल रही है। ठीक है, तो शाम तो काफी लंबी हो गई। सुबह अगर मैं 6 बजे बोल रहा हूँ 6 AM, तो वो सुबह 6 बजे तक है, 7 बजे को सुबह 6 बजे नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो एक लंबी अवधि है। दो चीजें क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम एक निश्चित समय की बात करते हैं तो एट चलता है, बट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जब समय की लंबी अवधि होती है तो इन आता है। अब वो कह रहा है फ्लाइट लैंड करेगी कितने बजे? 6 बजे, शाम के 6 बजे। तो शाम का 6 बजे शाम से मेरे को मतलब ही नहीं है। या तो मैं 6 PM लिख दूं, या तो मैं डायरेक्ट 6 PM लिख दूं, वो भी बात वही है। उसने आपको घुमाने के लिए 6 के साथ दिस इवनिंग लिख दिया, तो मामला समझो। 6 मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या चलेगा? एट चलेगा। क्या चलेगा? एट। अगर दिस इवनिंग अकेला होता तो इन दिस इवनिंग हो जाता, क्योंकि 6 नहीं होने की वजह से। कंडीशन क्लियर सभी को? चलो चैंपियंस आ जाओ आगे। Although we reached his house, हाँ, इनको बोलते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन समझते हैं आप लोग? एरर करेक्शन मतलब क्या हो गया कि ये चीज हमारे एरर करेक्शन है। अब आप इन तीनों पार्ट्स को पढ़ोगे और इसमें बताना गलती कहां पर नजर आ रही है, फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है। चलिए आप तो ये गलती बताओ, फर्स्ट पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी चौथा नो एरर, आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ। यस यस, यू आर द चैंपियंस। चलो मैं बताऊं, आर्मानी आ जाओ। वो कहता है although, हालांकि we reached his house, हम उसके घर पर पहुंचे थे इन टाइम, समय रहते। कई लोग सोचते हैं कि सर इस इन टाइम की जगह ऑन टाइम होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इन टाइम और ऑन टाइम दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। ऑन टाइम क्या होता है? ऑन टाइम होता है ठीक समय पर। क्या होता है? ठीक समय पर। अगर मैंने कहा मैं 7 बजे आऊंगा और 7:00 बजे पहुंचाऊं,
तो वो ऑन टाइम है। क्या है? ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। अगर मैंने 7 बजे का बोला और ठीक 7 बजे ही पहुंचाऊं तो वो ऑन टाइम है। लेकिन इन टाइम होता है समय रहते। अगर समय से पहले कोई चीज हो जाती है तो उसको हम इंग्लिश में इन टाइम बोलते हैं। जैसे कि 7 बजे का मेरा वादा होगा तो मैं अगर 7:45 पे वहां पहुंच चुका हूं तो वो मेरे लिए इन टाइम वाला मामला है। कौन सा वाला है? इन टाइम का मामला है। मामला क्लियर? चलो तो ऑन टाइम इन टाइम। तो यहाँ पर इन टाइम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है हालांकि हम उसके घर समय से पहले पहुंच चुके थे, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट निकल गया। बताओ अब कुछ गड़बड़ दिख रही है? कुछ तो गड़बड़ है दया। आज तक जब भी हमने वॉजवर देखा तो वॉजवर के साथ या तो आईएनजी देखी, और अगर थर्ड फॉर्म दिख रही है तो कुछ तो दिक्कत है। चलो आप इसको समझने के लिए बोर्ड पर आ जाओ। दो चीजें हैं, एक हेड लेफ्ट है। अरे यार चल, एक चीज होती है V2 और एक होती है हेड प्लस V3। दोनों ही किसी पास्ट के काम के लिए आते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दोनों ही किसी पास्ट के काम के लिए आते हैं। दोनों की पहचान होती है ता था। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और यहां पे जो पहचान होती है वो होती है या था। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता था तो सेकेंड फॉर्म लगाना आई प्लेड क्रिकेट, और अगर या था यानी अगर वर्ब में आ का साउंड आ जाए और उसके साथ था आए तो वो हेड प्लस V3 होती है। मैं क्रिकेट खेलता था की जगह अब मैं बोल रहा हूं मैंने क्रिकेट खेला था। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्रिकेट खेला था। और जब मैंने क्रिकेट खेला था तो आई हैड प्लेड क्रिकेट आ जाएगा। तो पहले तो दोनों को हिंदी में क्लियर हो गया आप लोगों को, दोनों चीजें हिंदी में क्लियर हो गई। अब सुनना जरा, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस बनाता हूं तो पैसिव वॉइस में इसके लिए क्या आता है? वॉइस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं और इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं तो क्या आ जाता है? हैड बीन प्लस V3। लेकिन पैसिव की कंडीशन तब बनती है जब सामने वाला व्यक्ति खुद काम नहीं करे और उस पर काम हो। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता हूं, हर एक कंडीशन में मैं काम करते हुए दिख रहा हूं। जब इंसान खुद काम करते हुए दिखता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और अगर मैं कहता हूं मुझे बुलाया गया था, मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया था, तो इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने काम नहीं किया, मुझे इनवाइट किया गया था यानी कोई और ने मुझे कॉल करके बुलाया था। कंडीशन क्लियर सभी को? वहां वो पैसिव वॉइस का हकदार होगा। अब कंडीशन क्या बन रही है? सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो चला गया था एयरपोर्ट के लिए। अब अगर कोई एयरपोर्ट जा रहा है तो खुद ही जाएगा, और खुद ही जाएगा तो यहाँ पैसिव वॉइस का कोई मामला नहीं रहेगा। हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 के लिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ या तो हेड आना था या वॉज। वॉज पैसिव वॉइस में आता है, हेड सिंपल आता है, तो हेड लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड लेफ्ट। ही हेड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट चला गया था यानी उसने खुद ने काम किया था, वो खुद से गया था, अपने पैरों पर ही जाएगा, है ना। बड़ी स्माइल के साथ पढ़ते रहा करो सब लोग, बढ़िया स्माइल करते रहो, है ना। कई लोग ऐसे ऐसे मतलब होता है, चलो छोड़ो, जो लोग मोबाइल्स वगैरह या चश्मा स्पेक्स वगैरह लगाते हैं वो थोड़ा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, स्माइल करते रहा करो। हाँ, हिज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? किसी भी कविता को या आपने कोई भी क्रिएटिव चीज लिखी है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। हिज कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन है, जो उसने लिखा है लेख, is inferior than mine, वो मुझसे भी ज्यादा बेकार है, ठीक है। inferior मतलब होता है बेकार होना। आपको एक चीज मालूम है, comparison जो होता है वो दो तरीके से होता है। comparison जो होता है वो दो तरीके से होता है। अगर वो comparison comparative degree के साथ हो तो उसके साथ हमेशा हमेशा than लगता है। क्या लगता है? than। जैसे मैंने कहा you are better than I, तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, तो ER लगता है इससे पहचान जाना। या फिर कभी अगर मोर लग जाए कि मोर हैंडसम, तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है यार, ठीक है, यू आर मोर हैंडसम। तो मोर और ER ये दो शब्द हैं जो डिग्री को लेकर आते हैं, और डिग्री के साथ हमेशा हमेशा क्या चलता है? देन। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जो कि ER पर एंड हो या मोर पर एंड, मोर से बने, दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री के होते हैं। और जब बिना कंपेरेटिव डिग्री की बात होती है, विदाउट कंपेरेटिव डिग्री जब जब होता है कंपेरिजन, ठीक है, तो हमेशा हमेशा टू चलता है। क्या चलता है? टू।
जैसे कि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है, ही सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी उसने वही वर्ड लिखा है इनफीरियर। इनफीरियर मतलब होता है तुलना में अगर कोई चीज बेकार है उसको इनफीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफीरियर। देखो कंपैरेटिव डिग्री ईआर पे एंड होती है, यहाँ पे क्या आ रहा है ओआर आ रहा है, तो समझ जाओ ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी तो टू चलेगा, अगर देन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। पहला मामला क्लियर हो गया। चलो आज इस सेंटेंस में क्या गलती दिख रही है आपको कि उसने इनफीरियर के साथ देन लगा रखा है। देन काटो, देन की जगह क्या लगा दो, टू लगा दो। क्या लगा दोगे? टू लगा दो। तो देन की जगह हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया, इनफीरियर टू। मामला क्लियर है। चलो लास्ट वाला देखो, द टू लास्ट चैप्टर्स, दो आखिरी के चैप्टर्स ऑफ द बुक, किताब के, आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दो आखिरी के होते हैं कि आखिरी के दो चैप्टर्स होते हैं? नहीं समझे? चलो इधर आओ, इसको भी प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप टेंशन मत लो, आज हमारे पास टाइम है, तसल्ली से समझा लूंगा। 10 मिनट और मेरी क्लास ले लेना, मतलब 10 मिनट इन द सेंस 5-7 मिनट की क्लास और है, क्योंकि आज मैथ्स की क्लास नहीं, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए अब सुनना जरा क्या कह रहा है। गुप्ता जी ने आंसर दे दिया भैया, बिल्कुल सही वाला, और बहुत से लोगों ने भी दिया है। हाँ अब सुनना जरा, क्या होता है कि जब जब हमें संख्याएं, दो दो संख्याएं एक साथ आ जाए, तो दोनों संख्याओं में क्या होता है, एक होती है सिंपल संख्या, ठीक है, एक होती है, एक होते हैं सिंपल संख्यावाचक बोलते हैं, और दूसरे होते हैं क्रमवाचक। क्या होते हैं? क्रमवाचक। अब कई लोग कहेंगे सर इंग्लिश टीचर इंग्लिश में पढ़ाओ, ठीक है, तो जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर ओनली, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। बट इफ द नंबर इज कंसिडरिंग एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ऐसे शब्द जो क्रम को दर्शाते हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और जो केवल संख्या को दर्शाते हैं वो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। प्रैक्टिकली समझना आया? अब दोनों नंबर्स अगर एक साथ आ जाएं तो पहला नंबर हमको किसका रखना होगा? कार्डिनल का रखना होगा, और दूसरा नंबर हमको रखना होगा, और सॉरी पहला ऑर्डिनल का रखना होगा और दूसरा किसका रखना होगा? कार्डिनल का रखना होगा, तब जाके आप सर सही आंसर होगा। क्योंकि आप देखो, अगर मैं कहता हूं थ्री फर्स्ट, थ्री फर्स्ट चैप्टर्स, तो इसका मतलब समझ रहे हो, किसी किताब में पहला पहला पहला, क्या एक एक नंबर के तीन चैप्टर होते हैं कि लाइन से? नहीं होते। पहला तीन पहले चैप्टर नहीं होते, पहले तीन चैप्टर होते हैं। पहले तीन मतलब पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरे का। तो मजबूरी है थ्री फर्स्ट को हटा के क्या करना होगा? फर्स्ट थ्री। और यही पैटर्न हमारे किस में, अगले हमारे क्वेश्चन में आया है। व्हाट वाज आंसर ऑफ क्वेश्चन फाइव ऑन द होमवर्क? व्हाट इज दिस? पांचवा क्वेश्चन कौन सा अभी? हाँ कैरी ऑन। फर्नांडो एफ, बिल्कुल फर्नांडो मैं आपको भी क्लियर करूंगा, अभी जस्ट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। द टू लास्ट चैप्टर, तो टू लास्ट की जगह क्या हो जाएगा? द लास्ट टू चैप्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द लास्ट टू चैप्टर्स। ओके चैंपियंस, बिल्कुल हटा दे इसको, दिस इज दिस, इसको रूल हम इंग्लिश में, इस रूल को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ओसीएम का रूल बोलते हैं। इसमें मल्टीपल नंबर और आते हैं, अभी टाइम कम है इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ पैसेज पे, किस पे आ जाओ? पैसेज जिसका आपको इंतजार था, अब वो चीज आ गई है। ध्यान से देखिए इस बोर्ड पर, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। अब हम इसको पैसेज को करने वाले हैं। मैं पहले पूरा पैसेज पढ़ूंगा आपके सामने, फिर हम उसके आंसर्स लगाएंगे और पूरा क्लास खत्म, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है। उसने बोला कॉर्डरॉय, कौन सा वर्ड बोला उसने? कॉर्डरॉय। कॉर्डरॉय क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा होता है। कैसा होता है? मोटा और सूती कपड़ा होता है, जो बहुत कंफर्टेबल भी रहता है, कोजी भी रहता है, वो अलग अलग तरीके से अपने आप ढल जाता है। इस पैसेज की थीम ही ये है, एक कपड़े के बारे में बताया, कपड़ों का कंपैरिजन किया गया है, कौन सा सस्ता होगा, कैसा होगा, सारी चीजें उसमें बताई गई है, ठीक है। तो आओ चैंपियंस हम लोग इसको करें जल्दी से। कॉर्डरॉय इज अ फास्ट एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ, कॉर्डरॉय बहुत तेजी से स्थापित कर रहा है अपने आप को। इटसेल्फ मतलब अपने आप को, आज हमने प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा था ना ये चीज, वही है, ठीक है। सेल्फ पैटर्न एट दिस इयर्स, और इस साल अगर देखा जाए फैब्रिक, फैब्रिक के मामले, फैब्रिक किसे बोला जाता है? कपड़े को। तो इस साल कपड़ों के अपडेशन में क्या हुआ?
फैब्रिक के मामले में कॉर्डरॉय का खूब नाम चल रहा है, ठीक है। अब समझो कॉर्डरॉय कौन सा कपड़ा है। वाइल द रिब्ड कॉटन, जबकि जो पहले चला जाता था रिब्ड कॉटन, कॉटन तो मतलब सूती कपड़ा और रिब्ड मतलब जो होता है कई तरीके से वो उसको बुना हुआ, अलग अलग तरीके से बहुत तरीके से बुना हुआ जिसको कहा जाएगा वो। जबकि सर यू आर सो फनी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, तो वाइल द रिब्ड कॉटन, जबकि बुना हुआ जो कॉटन का कपड़ा होता था, इट सेल्फ प्रोवाइड्स, वो अपने आप को प्रोवाइड कराता था, यानी हमें दर्शाता था क्या, यूटिलिटेरियन। ये अच्छा वर्ड है जो हमारे एग्जाम में भी आता है। यूटिलिटेरियन मतलब होता है आधुनिक तौर तरीके के हिसाब से, कोई भी चीज जो हमारे अभी प्रेजेंट जो मॉडर्न सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हर चीज जो ढल जाती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटेरियन, यानी यूटिलिटेरियन आधुनिक तौर तरीके हिसाब से, या महत्वपूर्ण को भी यूटिलिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो आधुनिक तौर तरीके के हिसाब से किसको, रिप्ड कॉटन को जाना जाता था, इसकी टेनेसिटी को जाना जाता था। टेनेसिटी मतलब क्या हो गया, इसकी कठोरता, टेनेसिटी मतलब कठोरता, ठीक है। टेनेसिटी के कई मीनिंग होते हैं, टेनेसिटी जिद्दी को भी बोलते हैं। अगर इस वर्ड को आपको याद करना है, जिद्दी को कैसे याद करोगे, इस वर्ड को आगे से पढ़ो तो कैसा दिख रहा है, टीना, और इसको पीछे से पढ़ो तो कैसा दिख रहा है, सिटी। अब बताओ टीना जब तक गांव में थी तो तब तक सही थी, लेकिन जब से टीना सिटी में आई तब से कैसी हो गई है, जिद्दी हो गई है, ठीक है, याद हो गया टेनेसिटी। चलो, टेक्सचर के मामले में, गर्मी के मामले में सब बढ़िया था, रिप्ड कॉटन सब कुछ अच्छा चल रहा था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। अब आवाज आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो, आवाज आ रही है। अमित ने कहा हो गया खेल, हाँ आ गई आ गई आ गई, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो आ जाओ, कहां तक हो गया था, यहां तक, यहां से कर ले सर पैसेज, प्लीज रिपीट कर दो, थर्ड लाइन से, हाँ थर्ड लाइन यहां तक कर दी थी मैंने, इधर से आ जाओ। तो वो क्या कह रहा है कि कॉटन, जो रिप्ड कॉटन पहले वाला यूज किया जाता था,
उसमें क्या हो रहा था कि है ना वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए था, हर वक्त उसको उस तरीके से यूज नहीं किया कर पा रहे थे, मामला क्लियर। लेकिन फिर वो कहता है इट इज अ फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशन में प्रोवाइड अ हिंट। अब लंबे समय अगर किसी कपड़े को यूज करना है तो एक दिमाग में एक आइडिया आया टू इट्स करेंट रिवाइवल, किसके लिए कि वर्तमान में उसको दोबारा से रिवाइवल कर सके। सर रिवाइवल का मतलब क्या होता है? टीनेसिटी से स्टार्ट करना है, चलो आ जाओ कोई बात नहीं इटसेल्फ। तो वो कह रहा है वाइल द रिब्ड कॉटन, पहले क्या होता था कॉटन का रिब्ड कॉटन मतलब एक बढ़िया से बुना हुआ एक कॉटन का जो कपड़ा था ना उसको यूज करते थे लोग बाग, और इटसेल्फ प्रोवाइड्स यूटिलिटेरियन, इसको हर जगह हर तरीके से यूज किया जाता था, उसके अंदर टेनेसिटी थी, टेनेसिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जिद्दीपन था, कठोरपन था और साथ ही साथ टिकाऊपन था, वो लंबे समय चले, टेक्सचर भी अच्छा हो जाता और गर्मी वार्मथ अच्छी थी उसके अंदर। ठीक है, यहां से शुरू कर दिया मैंने, अब सुनते जाओ। अब वो कहता है इट इज अ फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशन में प्रोवाइड अ हिंट। अब इस फैब्रिक को एक लंबे समय और यूज किया जा सके, इसके लिए उसके दिमाग में, सबके दिमाग में एक आइडिया आया टू इट्स करेंट रिवाइवल, क्यों ना वर्तमान में जो कपड़ा आप यूज कर रहे हो कॉटन का उसका रिवाइवल करें। रिवाइवल मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण करें कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब जैसे बैटरी मतलब अचानक से क्लास बैक टू बैक दावारत पे इतने फैकल्टीज पढ़ाती हैं, इतनी क्लासेस लगती हैं, होता है बैटरी का इश्यू आता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चेंज कर ली, दो मिनट में आ गया। ठीक है, हाँ, और आपको बेस्ट टू बेस्ट दे रहे हैं, दो दो तीन तीन टाइम आप लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला तो बनता है, अच्छी बात है। चलो इधर आ जाओ। वो कह रहा है कि है ना रिवाइवल, रिवाइवल मतलब जैसे बैटरी गई दोबारा से क्लास चालू हो गई, वो हमारा क्या है? पुनर्निर्माण, किसी चीज का दोबारा से होना। तो वो कहता है वर्तमान में जो हम कॉटन यूज कर रहे हैं क्यों उसको रिवाइवल कर सकते हैं क्या हम, वो चेक करना था उनको। ठीक है, वो कहता है एज अ फैब्रिक, फैब्रिक कपड़े के रूप में फॉर ऑल सीजन, सारे सीजन में यूज किया जा सके, तो कुछ ना कुछ तो नया उनको बनाना था। अब वो कैसे बना रहे हैं? इट इज कॉर्डरॉय। अब उनको दिमाग में आई कॉर्डरॉय की बात। वो कहते हैं विद द गुड ब्रीडिंग, उसको एक नए तरीके से, ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को जन्म कर लेना, उत्पन्न करना उसे। तो एक वो कहता है कॉर्डरॉय थी तो गुड ब्रीडिंग, बढ़िया तरीके से क्या हुआ उसको नए तरीके से बनाया गया। एंड कंट्री लिविंग, जितने भी लोग थे दैट मेड इट एन, उन्होंने जितने भी लोग थे उन्होंने इसको बना दिया एसेंशियल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल मतलब आवश्यक और इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री होता है वैसे, और इंग्रेडिएंट यहाँ पर किससे है? वस्तु से है। किससे है? वस्तु। ठीक है, जब सब्जी अब्जी की रेसिपी पढ़ोगे ना तो इंग्रेडिएंट्स के नाम से आएगा, तो वैसे सामग्री होता है लेकिन यहाँ पे वस्तु के लिए आवश्यक वस्तु बना दिया इसको। ठीक है, इन द जेंटलमैन्स वार्डरोब, जेंटलमैन के घरों में रहने वाला। वार्डरोब क्या होता है? कपड़ों को रखने की अलवारी, कपड़ों को रखने की जगह, उसको हम इंग्लिश में वार्डरोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्डरोब। अलोंग विद द वेलिंगटन्स बूट्स, अब जैसे फ्रेंच वगैरह के लोग होते हैं वो आपने देखा होगा बढ़िया सी जैकेट पहनते हैं, फर वाली लंबी सी पैंट पहना करते थे पहले और लंबे वाले बूट्स, तो वेलिंगटन बूट्स के साथ वो लोग पहनने लगे उस चीज को। सॉरी। और वो कह रहा है एंड डिसेंट वूली, वूली मतलब क्या हो गया? वूलन से बना हुआ, यानी कि बहुत शानदार। डिसेंट मतलब अच्छा दिखने वाला, वूली वूलन से बना हुआ कोई चीज, सॉरी जैकेट वगैरह, उसके साथ वो लोग पहनना शुरू कर दिया। सर आज मैथ की क्लास नहीं है, आज मैथ की क्लास नहीं है, शाम 7:30 वाली, सर ने बता दिया था आप लोगों को पहले ही, फिर भी बता देता हूँ जो लोग अगर इसमें सोच पूछ रहे हैं। हाँ, साउंड प्रॉब्लम अभी भी आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या? सबको आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी कमेंट लिख के बताओ। यस, यूट्यूब पर दा भारत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलो ओके, बस आ जाओ। वो कहता है डिसेंट बोली, आई कंबाइन द कंफर्टेबल नॉनसेंस अपील ऑफ द कॉटन, मैंने क्या किया एक कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट के तौर पर मैंने क्या किया एक अजीब सी चीजें की, कॉटन विद द परफेक्टली करेक्ट लग्जरी फिनिश, मैंने उस चीज को अपने और ज्यादा लग्जरी फिनिश, फिनिश मतलब यहां पर फिनिशिंग से है, और अच्छा दिखाने के तौर पर क्या कर दिया ऑफ वेलवेट, वेलवेट की जैसे उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो कॉटन थोड़ा सा कठोर सा रहने लगा था, है ना, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो ज्यादा मुड़ता नहीं था, रिंकल्स आ जाते थे। फिर उन्होंने नई जो ब्रीडिंग बनाई ना कॉर्डरॉय की,
उसको इतना अलग अलग तरीके से यूज करने लगे, चाहो तो कॉटन की तरह मोटे की तरह यूज कर लो, चाहो तो आप वेलवेट की तरह बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट यूज कर सकते हो, हर तरीके से कॉर्डरॉय काम आने लगा। कॉर्डरॉय हैज द एबिलिटी, कॉर्डरॉय के अंदर वो एबिलिटी थी, वो क्षमता थी टू अपियर ईदर सुप्रीमली सोफिस्टिकेटेड, या तो वो बहुत ज्यादा, सुप्रीमली मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है वैसे तो विनम्र को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट के लिए आया, किसके लिए आया, सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी दिखाई दे सकता है वो, और रफ, और बहुत ज्यादा कठोर और रफ खुरदुरा सा दिखाई दे सकता है, एंड रेडी और तैयार बिल्कुल। नहीं समझे, जैसे कॉटन जो होता है उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, अगर आपने जल्द मतलब कॉटन लिनन इन सब की शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो उसमें रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इसकी नेचर ऐसा होता है, उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कॉर्डरॉय, कॉर्डरॉय क्या है, कॉर्डरॉय को आप चाहो तो अगर नॉर्मली बनाते हो उसके कपड़े तो वैसे चलेगा, अगर उसको सिलिंग करके तरीके से आप अगर बनाते हो तो वो आपका फॉर्मल यानी इन द सेंस बहुत सॉफ्ट रूप में भी यूज किया जा सकता है। बस ये बताया पूरे पैसेज के अंदर, जल्दी से आंसर देखेंगे, अब देखें किसको कितना समझ में आया, आप देखें जरा किस कितना है दम। पहला क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज, इन सब में से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से पैसेज के अकॉर्डिंग। वो कहता है इट टेल्स अस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ कॉर्डरॉय, इसने हमें बताया है कॉर्डरॉय की यूजफुलनेस, उपयोगिता के बारे में। दूसरा ऑप्शन है इट टॉक्स अस अबाउट द वर्च्यूज ऑफ कॉर्डरी, ये हमें कॉर्डरी की अच्छाइयों के बारे में बताता है। इट परसुएड्स, परसुएड होता है राजी करना, क्या होता है राजी करना, ये हमें राजी करता है किस चीज के लिए, राजी करता है टू बाय कॉर्डरी, कॉर्डरी को खरीदने के लिए नहीं। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द एवरलास्टिंग अपील ऑफ कॉर्डरी टू द यंग, यंग लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, नहीं। आंसर हो जाएगा बताओ ए और बी में से, जल्दी जल्दी बताओ आंसर ए या बी मेरा, हाँ जल्दी जल्दी ए या बी, आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, इट टेल्स अस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ कॉर्डरी, किस किस तरीके से वो यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इस ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, ठीक है। अब मैं यूट्यूब के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, माय मोबाइल हैज गॉट डिस्चार्ज, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहें, जल्दी से मैं दूसरा यूट्यूब ले रहा हूँ। हाँ मक्का दा भारत के कमेंट जल्दी जल्दी बताते जाना। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कॉर्डरी इज, स्पेशल क्वालिटी कॉर्डरी की क्या है, कॉर्डरॉय की, इट नीड्स नो आयरन, इसमें प्रेस की जरूरत नहीं होती, पता नहीं। इट कंबाइंस द वर्च्यूज ऑफ बोथ कॉटन एंड वेलवेट, हाँ इसके अंदर गुण है कॉटन के भी हैं और वेलवेट यानी सॉफ्ट भी है और कॉटन भी है। इट कंटेन्स द करेक्ट मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड वेलवेट, ठीक है, और बोथ द रिच एंड दैट द नॉट सो रिच कैन अफोर्ड टू बाय इट, हटाओ ये तो बिग बकवास की बात। आंसर हो जाएगा बी, इट कंबाइंस द वर्च्यूज, इसके अंदर दोनों के गुण है, आप कॉटन की तरह भी यूज कर सकते हो बिल्कुल कड़क, और अगर चाहो तो श्रिंक करके उसको क्या कर सकते हो, वेलवेट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का आंसर हो जाएगा इट कंबाइंस द वर्च्यूज, इसके अंदर दोनों के गुण है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता ये वाला आंसर हो सकता था, इट कंटेन्स द करेक्ट मिक्सचर ऑफ कॉटन, तो मिक्सचर की बात नहीं की गई है, उसने ये बताया है कि इसकी तरह भी यूज हो सकता है और उसकी तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। पहला बेस्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट कॉर्डरॉय इज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजंस, कॉर्डरॉय हर सीजन में काम आने वाला फैब्रिक है, बिकॉज क्योंकि इट कैन बी वॉर्न नॉट ओनली इन विंटर बट ऑल्सो इन समर, इसको सर्दियों गर्मियों दोनों में पहन सकते हैं, पता नहीं। ऑफ इट्स पेक्यूलियर टेक्सचर एंड वार्मथ, किसकी वजह से, इसकी विशेष, पेक्यूलियर मतलब होता है विशेष, टेक्सचर और गर्मी के लिए। इट इज मेड पॉपुलर टू कैची एडवर्टाइजमेंट, जेंटलमैन कैन वियर इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आंसर हो जाएगा ए, इट कैन वॉर्न, इट कैन बी वॉर्न, इसको पहना जा सकता है नॉट ओनली विंटर एंड, तो सारे सीजन के लिए, इसलिए है कि सर्दियों में भी पहना जा सकता है और गर्मियों में भी पहना जा सकता है। तीन क्वेश्चन क्लियर होते हैं, मेरे को लास्ट में आंसर देना, पांच में से आपके कमेंट कितने सही गए, मतलब उसमें से। हाँ अकॉर्डिंग टू द पैसेज कॉर्डरॉय इज एसेंशियल इन अ जेंटलमैन वार्डरोब, जेंटलमैन वार्डरोब यानी जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो लोग कॉर्डरॉय को क्यों पसंद करने लगे, इसलिए बताओ। इट गोज विद द वेलिंगटन बूट्स, वेलिंगटन बूट्स के साथ ये अच्छा लगता था, पहला मामला। इट करेंट, इट्स करेंट रिवाइवल गिव्स अ टेस्ट ऑफ द लेटेस्ट फैशन, हाँ जो नए तरीके से इसको नए नयापन में लेकर आए हैं, किसको, कॉर्डरॉय को, ये लेटेस्ट फैशन को शो करता था। चेक करते हैं और, इट हैज इट्स एसोसिएशन विद गुड अपब्रिंगिंग एंड कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल, इससे ये पता पड़ता था कि अच्छी लालन पालन हुआ है किसी इंसान का, बड़े घराने का है, और कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल नहीं, मामला नहीं जमा। इट कैन बी एन आइडियल अल्टरनेटिव टू द वूलन क्लोथ्स, ये एक शानदार अल्टरनेटिव था वूलन क्लोथ्स का,
ऐसा तो कुछ कहा नहीं, आंसर हो जाएगा इट्स करेंट रिवाइवल गिव्स अ लेटेस्ट फैशन. नो 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 नो, आंसर होगा इट कैन बी एन आइडियल ऑल्टरनेटिव टू द वूलन क्लोथ्स. कॉर्डरॉय बना ही इसीलिए था कि इसको हर सीजन में हम लोग क्या कर सके, अच्छे से यूज कर सके. ठीक है, आंसर होगा डी. When the writer refers to corduroy, जब राइटर ने corduroy में लिखा, corduroy को बताया, ठीक है? When the writer refers to the corduroy's utilitarian tenacity, इसके टिकाऊपन को बताया, he means that, उसका मतलब क्या था? Utilitarian tenacity का मतलब, टिकाऊपन का मतलब क्या था? तो expensive, हालांकि महंगा है, it is economic in the long run, लंबे समय अगर इसको use करे तो ये economic होगा. It is useful. ये useful है because it is durable. Answer होगा durable. Durable का मतलब ही होता है मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय चलने वाला. ठीक है, हाँ जी, चलो YouTube वाले भी कमेंट दिख गए मेरे को. ठीक है, तो ये था पांचवा आंसर. ठीक है, अब जल्दी से मेरे को ये आंसर लिख के दिखाओ, पांच में से कितने सही गए, पांच के पांच सही गए, चार तीन दो एक से लिख के दिखा दो जल्दी से. यूट्यूब अदा भारत दोनों, यूट्यूब वालों को भी देख रहा हूं मैं स्क्रीन पर, दोनों लिख दिए मैंने. हाँ श्याम पचौरी, पांच में से चार. तीन, ओके चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है. ठीक है, चलिए तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आज ही नहीं आने वाले हर दिन आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. कल की क्लास आप लोगों को एक मैसेज पहुंचेगा, जिन लोगों के पास, जो लोग डायरेक्ट यूट्यूब से आए हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अकेले केवल और केवल ग्वालियर नहीं, भोपाल से भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आगरा से कर रहे हैं, इंदौर से, बहुत जगह से था भारत में, कितना कई लोग जुड़े हुए हैं. अगर उनके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, दिस इज माय पर्सनल नंबर, जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 7828050029. अब इसका रीजन क्या है, कल आपकी एक स्पेशल क्लास है जिसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लास. कई लोगों ने कहा सर हमें हिंदी से इंग्लिश क्लियर नहीं होती, इंग्लिश से हिंदी क्लियर नहीं होती है, यही रीजन है कि हम पैसेज सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यही रीजन है कि हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि पैसेज सॉल्व नहीं हो पाता, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, हर एक चीज रहती है. तो आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, कल एक स्पेशल क्लास रखी है, अगर हो सका पॉसिबल 99% वो मैं रखूंगा, बट टोटल लॉकडाउन के इस दौर में, आज भी आया था वैसे तो मैं, दो बार आया हूँ आपके लिए, टोटल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन, आपकी एजुकेशन सबसे पहले है और मेरी ड्यूटी सबसे पहले है. ठीक है, तो कल की क्लास जहां तक है मैं 12 बजे करीब रखूंगा. ठीक है, और टाइमिंग चेंज होती है, जैसा भी होता है आप सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा, अगर नहीं पहुंचता है तो कई लोग मुझसे 11 बजे तक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, दिस इज आल्सो माय व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल. ठीक है, इस ऑफिशियल नंबर पे आप मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मेरे से इस चीज के बारे में पूछ सकते हो. बस मैं आपका इतना ही टाइम लूंगा, इससे ज्यादा नहीं. कल मिलते हैं, ये क्लासेस आपकी लगातार चलेंगी क्योंकि सीजीएल प्री में काफी सारे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है, इन द सेंस प्री निकाला है, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग स्टेनो का वेट कर रहे हैं, कई लोग एलडीसी का, और कई लोग बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं. तो जितने भी एग्जाम्स आप अपकमिंग देने वाले हैं सबके हिसाब से ये टेस्ट सीरीज है और ये सारी प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई है. तो कल मैं एक स्पेशल वो रख रहा हूँ जिसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी क्लियर हो जाएगी, फिर लाइफ में कभी टेंस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कभी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, वो क्लास होगी 1-1.5 घंटे की होगी, दिन में 12 बजे, करीब 12 बजे होगी. ठीक है, और टाइमिंग अगर इधर उधर होता है तो मैं आपको बता दूंगा. बाकी ये टेस्ट सीरीज रेगुलर रहेगी, बहुत इंप्रूवमेंट देगी आपको, ध्यान रखें टेस्ट सीरीज को लेते जाएं. 11 से 12 बजे तक मेरी चल रही दा भारत एप्लीकेशन पे बेसिक क्लास, जिसमें मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, टॉपिक्स के बाद उसका एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ टेस्ट भी कराता हूँ, तो वो अलग चल रही है. उसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज लेने आ रहा हूँ, मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, थोड़ा आपका बनता है, टाइम से ऑनलाइन आएंगे और टाइम से बिल्कुल सारी क्लासेस लेते जाएंगे, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा. ठीक है, मोहिनी रजक, थैंक यू सर, सुपर सेशन, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी. ठीक है, हाँ आप ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बड़ा ख्याल रखें.